हेलो एवरीवन, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के इस वीडियो में वेटरनरी ऑफिसर एग्ज़ाम जो होता है उसका पुराना पेपर है, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो साथियों, वीडियो को आप पूरा जरूर विजिट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हर तरह की इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। तो साथियों, लीजिए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। साथियों, आज के वीडियो में जो है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन और आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, और इससे पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए थे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। वेटरनरी ऑफिसर एग्ज़ाम का जो ये पेपर है उसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए थे, जो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। वेटरनरी ऑफिसर ओल्ड क्वेश्चन पेपर करके वीडियो अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा, अगले वीडियो में 50 और अगले वीडियो में और 50, इस प्रकार करके 200 क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, जो इंग्लिश में है लेकिन बहुत ही सरल है, जो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो साथियों, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, वो है कि एंटी एस्ट्रोजन ड्रग यूज इन मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है, जो दूध की जो हम नस बोलते हैं, सिरा होती है, उसमें अगर ट्यूमर हो जाता है तो एस्ट्रोजन को रोकने के लिए कौन सी ड्रग काम में लेते हैं। तो वो लेते हैं टैमोक्सीफेन। ठीक है साथियों, टैमोक्सीफेन यूज में लेते हैं। अगला है, विच ऑफ द पॉक्स इज जूनोटिक, यानी कि जो पॉक्स है उसमें जूनोटिक बीमारी कौन सी है, तो वो है ऑर्फ। ठीक है, विच ऑफ द पॉक्स इज जूनोटिक, वो है ऑर्फ। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेज प्रेजेंट एट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द मूवेबल जॉइंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि जो मूवेबल जॉइंट है आर्टिकुलर का, वहाँ पर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेंस इज नो, यानी कि जो वेन जो होती है, जो सीरा होती है, उसकी सूजन, उसकी इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो वो इसको जाना जाता है फ्लेबाइटिस। ठीक है साथियों, फ्लेबाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्रा इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो सर्रा जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, ये सबसे ज़्यादा ऊँट में पाई जाती है, ऊँट की बीमारी है सर्रा, तो ये ट्रिप्नोसोमसिस एवंसी जो नाम का जीवाणु होता है उसके कारण होती है, सर्रा ट्रिप्नोसोमा एवंसी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर मोर देन 50% ऑफ इनकम इज डेरिवेड फॉर्म ए सिंगल इंटरप्राइज, तो इसका आंसर हो जाता है स्पेशलाइज। ठीक है, स्पेशलाइज। अगला क्वेश्चन है, द एपिथीलियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज एपिथीलियम फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुडो स्ट्रेटिफाइड सिलिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली शिप ब्रीड ऑफ द साउथ इंडिया विच प्रोड्यूस फाइन वूल, यानी कि भारत के वो कौन से भेड़ के नस्ल है जो फाइन वूल देती है, वो है नीलगिरी। कौन सी है? नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन चिकन्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन की कौन सी जगह होती है चिकन्स में, मुर्गियों में, तो वो होती है इनफर्टिबुलम। इनफर्टिबुलम में फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन। अगला क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन लेसिनिन इज, तो वो है कोलिन। ठीक है, कोलिन। अगला क्वेश्चन है, द ओसाइट ऑफ ओवुलेशन इज इन द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ओसाइट एट ओवुलेशन इज इन द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षावेक्टी इज द वैक्सीन यूज अगेंस्ट, यानी कि जो रक्षावेक जो टी जो वैक्सीन होती है वो किसके अगेंस्ट में यूज़ की जाती है, किसको रोकने में काम में ली जाती है, तो वो होती है फिलेरियोसिस को कंट्रोल करने में, रोकने में इसको काम में ली जाती है रक्षा टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन
द मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग इज द, यानी कि जो प्रोजेनी टेस्टिंग का जो डिसएडवांटेज है मेन वो क्या है, तो वो है इट टेक टू मच टाइम टू प्रूव द फ्यू सायर्स, यानी कि ये काफ़ी समय लेता है सायर्स को प्रूव करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वायरस हैविंग हेरिंग बोन अपेंस ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा PPRV, ठीक है, ये कौन सा है PPRV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन डॉग ब्रीड हैविंग मिल्की वाइट बॉडी कलर, पिंक नोज एंड गोल्डन टू ब्राउन एंड ग्रीन आइज, तो ये कौन सा है राजा प्लायम, ठीक है, कौन सी नस्ल है ये राजा प्लायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज नेचुरल अब्जॉर्बल सूचर मटेरियल इज, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला अब्जॉर्बल जो सूचर मटेरियल है वो कौन सा है, तो वो है कैटगट। कैटगट को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है किसी प्रकार की कोई भी अगर सर्जरी की जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टीथ आर एब्सेंट इन रूमिनेंट, यानी कि इनमें से कौन से जो टीथ है, जो दांत है, जो रूमिनेंट्स में एब्सेंट होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो है केनाइन। केनाइन उपस्थित नहीं होते हैं रूमिनेंट में, नॉन रूमिनेंट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेस सब सिचुएशन इन विच प्यूरिन इज चेंज टू ए इरिमिडिन और वाइस वेरेसा इज नो अज, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, तो ये है ट्रांसवर्जन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्जन। अगला क्वेश्चन है द कंपार्टमेंट ऑफ स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स इन विच लुमिनल सरफेस हैज हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूमन में पाए जाने वाला जो हनी कॉम लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, तो वो उसकी वो होती है रेटिकुलम की। रेटिकुलम की हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एनिमल हेल्थ इन द वर्ल्ड, यानी कि एनिमल हेल्थ पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो वो है WOH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ पर काम करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है TORCH टेस्ट इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि जो टॉर्च, यानी कि TORCH टॉर्च जो डायग्नोसिस किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है टॉक्सोप्लास्मोसिस के लिए काम में लिया जाता है, उसको टेस्ट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोचोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, तो ये किस में पाया जाता है, तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर पैरासिटामोल की अगर अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसके लिए कौन सा एंटीडोट काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं एल मेथियोनिन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 द बोन्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन, ठीक है, इसका आंसर है पेप्टाइड बोन्स। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका आंसर है लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सिंग ऑफ टीथ इज द मेजर साइन ऑफ इम्पेंडिंग पार्चुरेशन इन, तो ये सबसे बड़ा जो साइन जो लक्षण होता है ये किस में होता है, तो ये मेयर्स में होता है, घोड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरोफेटेल में ऑक्यूस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो जायरोफेटेल में जो बीमारी है वो किसकी कमी के कारण होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है जायरोफेटेल में बीमारी। अगला क्वेश्चन है रिकेटेशियल डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रॉट मिल्क, यानी कि ये जो दूध के ट्रांसमिटेड के कारण जो बीमारी होती है वो होती है क्यू फीवर, कौन सी क्यू फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचाली इज न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ, यानी कि जो पंचाली जो ब्रीड है न्यू वो किसकी रजिस्टर्ड जो ब्रीड है, तो ये है शिप की, शिप के नई रजिस्टर्ड
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम स्पर्म कंसंट्रेशन इन बोवाइन फ्रोजन मिनिस्टर 0.25 ml शुड बी, तो ये 20 मिलियन इसमें स्पर्म होते हैं, 0.5 ml जो एक्स्ट्रा जो मिनिस्टर होती है उसमें 20 मिलियन स्पर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज एक्स्ट्रा बुलर फ्लूड इज, तो ये सोडियम सबसे ज़्यादा इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम, अदर फील्ड प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम डिसरेबल नंबर ऑफ डॉटर पर सायर इज, यानी ये 40 से 75 डॉटर पर सायर ये करता है, डिजरेबल नंबर करता है। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व ऑफ द एनिमल बॉडी इज, यानी कि सबसे बड़ी जो क्रैनियल नर्व है सबसे लंबी वो एनिमल बॉडी में कौन सी है, तो वो है वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरपुरा हेमोरेजी का इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ, तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, ये है स्ट्रेगल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टिश्यू सेक्शनिंग इज, तो माइक्रोटोम यूज में लिया जाता है टिश्यू सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल स्टेटाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज बुलोक डायग्नोसिस बाय, यानी कि ये जो स्टेटाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन जो बुलोक में हो जाता है, तो इसका डायग्नोस किसके बाय किसके द्वारा किया जाता है, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है स्टेटाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरमोंट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ, यानी कि जो स्टोरमोंट जो टेस्ट किया जाता है वो इसके लिए यूज में किया जाता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए यूज में लिया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्कोटिक एंटराइटिस इज चिकन इन चिकन इज कॉज्ड बाय, यानी कि जो नार्कोटिक जो एंटराइटिस होता है चिकन में वो किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोस्ट्रिडियम परफ्यूजस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर और स्केटरेड केसेस ऑफ डाइजीज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज नो एज, तो ये किसके इसको क्या कहते हैं, तो ये स्पोर्डिक कहा जाता है, इरेगुलर और स्केटरेड केस डिजीज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोट्रेरियल नोड, जो साइनोट्रेल जो नोड है ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट, यानी कि जो ऐसे जो ऐसे नोड जो है वो किस साइड के हार्ट के किस चैम्बर में उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं राइट ओरिकल्स में। अगला क्वेश्चन है, WOH रिकमेंडेड टेस्ट ऑफ फॉर डायग्नोसिस इज ऑफ रेबीज, तो ये FAT और DFA के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडली टाइम ऑफ ब्रीडिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस इन काउ एंड बफेलो इज, तो लेटर हाफ और हाफ ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हीट के आधी हीट के बाद में ये आइडली टाइम होता है ब्रीडिंग के काउ और बफेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री स्वेलिंग ऑफ इंफ्रा ओबिटियल सिंस साइनस विद चीज एक्सुडेट्स इन सिन इन, इसका आंसर हो जाएगा इन्फेक्टियस पोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अल्डोज, तो ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इसका आंसर है। नेक्स्ट है, डलमेटियन ब्रीड ऑफ डॉग इज मेयर मोर प्रोन टू, तो ये है यूरट यूरोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डॉग रोस्टल पोर्शन ऑफ टाइम्पेनिक कैविटी प्रॉपर कम्युनिकेट्स विद नेसोफेरिंग्स बाय ट्यूब कॉल्ड, तो इसको क्या जाता है ऑडिटरी ट्यूब कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी इज डाइटरी एसेंशियल फॉर गुनिया पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन कास्टर बीन, तो ये राइसिन पाया जाता है। कास्टर बीन जो तेल होता है, जो होता है उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो राइसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हेडक्वार्टर ऑफ PETA इज लोकेटेड, यानी कि जो भारत का PETA जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कंपेनिशन ऑफ एक्सीडेंटल एनिमल डेथ स्कीम द रिलीफ असिस्टेंस पर एनिमल इन केस ऑफ काउ डेथ इज, तो ये 16,400 रुपया करती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है, 50 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताई है क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में 50 और बताऊंगा, और इसके बाद 50 और क्वेश्चन, और इस प्रकार अपने टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों अभी के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।